जिले की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पेच व्यापर्तन के अंतर्गत आने वाली D4 की बखारी नहर निर्माण के 3 माह के अंदर बरसात के पानी बहने की वजह से टूट गई। स्थानीय किसानों के द्वारा बताया गया कि नहर निर्माण प्रोजेक्ट के DPR के अनुसार नहीं हुआ और तो और ठेकेदार के नक्शे को दरकिनार करते हुए अपनी सहूलियत के हिसाब से नहर का निर्माण किया। बताया जाता है कि नहर का निर्माण कर रहे ठेकेदार जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर अनिल सिंह का संबंधी है, जिसे ठेकेदार को गुणवत्ताहीन काम करने की और छूट मिली हुई है। निर्माण के दौरान घटिया स्तर की सीमेंट और कंक्रीट मिश्रण में डस्ट का उपयोग किया गया। यह योजना सिवनी जिले के लिए और सिवनी जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है, पर इस प्रकार की गुणवत्ताहीन निर्माण को देखते हुए लग रहा है कि योजना वरदान तो नहीं श्राप जरूर साबित होगी, क्योंकि टूटी हुई नहर का पानी खेतों की फसल को बर्बाद कर देगा। जब फसल बर्बाद होगी तो जिम्मेदार आखिर कौन होगा? वो ठेकेदार जिसने अपने मुनाफे के लिए गुणवत्ताहीन सामान से नहर बनाया, या वो अधिकारी जो सब कुछ जानते हुए भी रिश्तेदारी निभाने के लिए इस प्रकार के कार्यों का अप्रूव कर रहा है? और गोष्ठा में न्यूज से सिवनी से अजय करवी।